सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन हकीकत है। इस ऑपरेशन की ये तस्वीरें सच्ची हैं। ये बगदादी के आतंकी हैं, ये भी सही है। मगर क्या सच में ये सीरियाई सेना के सैनिक हैं? इस क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को बहुत संजीदगी से लीजिए, क्योंकि इसी में उस छलावे की सारी कहानी छुपी है जो रूस दुनिया से कर रहा है। और ये छलावा ये है, इन्होंने यूक्रेन में कोहराम मचाया, इन्होंने सीरिया में आतंकियों को मार भगाया। ये सैनिक नहीं, छलावा है, ये किराए के सैनिक हैं। बस इनकी इतनी ही पहचान है, ये कहीं भी कभी भी किसी के लिए भी लड़ते हैं। बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं और आदेश ये सिर्फ हेडक्वार्टर का सुनते हैं। कौन है ये? यूक्रेन की जंग में ये विद्रोहियों के साथ लड़े, सीरिया में इन्होंने सेना का साथ दिया, अब ये सूडान और मध्य अफ्रीकी देशों में लड़ रहे हैं और जल्द ही ये लीबिया का रुख करेंगे। पीएमसी वैगनर के सैनिक हैं, यानी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, रूस की एक निजी सैन्य कंपनी जो किराए के सैनिक तैयार करती है और अपने क्लाइंट यानी ग्राहकों के लिए जंग लड़ती है। अब तक ये रशियन आर्मी, नोवो रोसिया की आर्मी, सीरियन आर्म फोर्स और ईरानी आर्म फोर्स के लिए जंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहां अपने सैनिकों को भेजकर कोहराम मचा चुकी है। जिन दुश्मनों पर इन्होंने पैसों के बदले कहर बरपाया, उनमें इस्लामिक स्टेट, अल नुसरा फ्रंट, फ्री सीरियन आर्मी और यूक्रेन की आर्मी शामिल है। साल 2011 से लेकर 2014 तक आईएसआईएस ने सीरिया के ज्यादातर हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसा लगा कि जैसे दमिश्क भी अब राष्ट्रपति बशर अल असद के हाथों से निकलने वाला है और उनका तख्ता पलट तय है। मगर सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान हुई एक खुफिया डील। ये डील थी किराए के सैनिकों की। डील के मुताबिक पीएमसी वैगनर अपने सैनिकों को सीरिया के रण में भेजेगा, जो सीरियाई मिलिट्री के साथ मिलकर आतंकियों को खदेड़ेंगे। हाँ, बदले में वैगनर कंपनी को अच्छी खासी रकम दी गई। मगर यकीन मानिए, साल 2014 में जैसे ही वैगनर के सैनिकों ने सीरिया की धरती पर कदम रखा, बगदादी के लड़ाकों की जैसे शामत ही आ गई। और साल भर के अंदर किराए के इन सैनिकों ने सीरिया की जमीन को इन आतंकियों की लाशों से बांट दिया। आलम यह हुआ कि चंद जगहों को छोड़कर पूरे सीरिया से बगदादी के आतंकियों के पांव उखड़ गए और बाकी का काम सीरियन आर्मी ने पूरा किया। हालांकि ये खबर तो नहीं मिली कि वैगनर ने अपने कितने सैनिकों को सीरिया के फ्रंट पर भेजा था, मगर इतना जरूर पता चला कि हजारों सैनिकों को मारने वाले उसके 18 सैनिकों की मौत भी हुई। Для того, чтобы перед входом в город провести разведку, доложить. У меня там было трое знакомых. Двое из них погибли, не дойдя до самого города. Из роты штурмовой, где я был, 18 человек погибло. Чтобы после нас вот эти петушки, армия осада, чтобы они прошли и закончили нашу работу. Дусре дешон ке улет рус ми эси прайвет сэнне компания лигал. ऐसा करने के पीछे रूस का मकसद युद्ध होने पर किसी भी आपात स्थिति से निपटना है। मगर आधिकारिक तौर पर रूसी अधिकारी वैगनर या ऐसी किसी दूसरी कंपनी के अस्तित्व की बात को नहीं मानते, लिहाजा ये बात मानना तो दूर की बात है कि उसके किराए के सैनिकों ने दूसरे देशों में जंग का ठेका लिया। War zones where the Russian government wanted them to appear, say first in Crimea, then in Donbass, now in Syria,
But they are not, have not been legalized up to now. रूसी सरकार भले ऐसी किसी प्राइवेट सेना से इनकार करे, मगर अब एक एजेंसी के खुलासे के बाद दुनिया को पता चल चुका है कि युद्ध की तैयारियों के लिए रूस ने अपने मुल्क में ऐसी कई प्राइवेट आर्मी बना रखी है। साथ ही वो इन प्राइवेट सेनाओं को उन जगहों पर भी इस्तेमाल करती है जहां अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से सीधे तौर पर वो अपनी सेनाएं नहीं भेज सकती।